मैं आपके साथ अपनी कुकिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सब इन्जॉय करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेमन टी बनाने जा रही हूँ। लेमन टी के लिए मैं ये 2 कप पानी ले रही हूँ, 1/2 कप एक्स्ट्रा डालूँगी। गैस मैंने ऑन कर दी है, पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ये 2 तुलसी के पत्ते डाल रही हूँ, थोड़ी सी अदरक बारीक बारीक काट के डाल रही हूँ, दो तीन दाने काली मिर्च के, दो लौंग, एक चम्मच चाय पत्ती, और तीन चम्मच चीनी डाल रही हूँ। एक्चुअली नींबू थोड़ा एसिडिक होता है तो इसमें थोड़ी सी चीनी एक्स्ट्रा डलेगी, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा या कम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 3 चम्मच यूज़ की है। ये देखिए, इस चाय पत्ती के पानी को बॉईल होते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट से मैं इसे बॉईल कर रही थी, और इसमें हर चीज़ का एक अलग ही फ्रेग्रेंस आ रहा है। तुलसी के पत्ते, अदरक, लौंग, ये सब का एक अलग ही अरोमा आ रहा है। अब मैं इसे इस वक्त गैस को बंद कर दूंगी। और अब मैं इसमें ये 1/2 नींबू निचोड़ रही हूँ। गैस बंद करके ही नींबू निचोड़िएगा, वरना नींबू का कड़वापन चाय में आ जाएगा, चाय कड़वी हो जाएगी हमारी। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस हमारी ये लेमन टी रेडी है। अब ये देखिए, मैंने ये चिया सीड्स 1/2 घंटे पहले भिगो दिए थे। अब मैं इसमें ये छोटी वाली टीस्पून जो है ये 2 चम्मच डाल रही हूँ 1 कप में। आप चाहें तो ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये हम अपनी चाय इसमें छानेंगे। यकीन मानिए, सब चीज़ों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी इस तरीके से बनाइए और मुझे बताइए आपको चाय कैसी लगी। ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, और ये पीने में तो बहुत फ़ायदेमंद होती है।